थ्री व्हीलर बोलते हैं, टेम्पो बोलते हैं, टुक टुक बोलते हैं, मगर यहाँ पे बोलते हैं बजाजी। तो बजाज वालों में तो इमिग्रेशन छोड़ देती है यहाँ पे। मैंने भाई का बुरा हाल हो गया मशीने में। उसके पास चले जा, वो गिली बाउल के पास। तो जी बात ऐसे है, रेडी हो गए हैं, मनी भाई को लेके जा रहे हैं। मनी भाई मुझे लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनको हो गए 8-10 दिन यहाँ पे रहते हुए, थोड़ी गलियों का नॉलेज हो गया इनको, ठीक है। बाकी केन्या एयरलाइन कभी बुक नहीं कर रही, मैं कल से बोल रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, केन्या एयरलाइन कभी नहीं बुक कर रही, ठीक है। चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, नहा धो गए, निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं जहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 10 दिन से आसपास का एरिया तो इन्होंने घूम ही लिया ना। बाकी गर्मी बहुत है यार यहाँ ना, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर समुंदर है। रात को इतनी मस्त हवा चल रही थी, मज़ा आ गया। एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे अपने इंडिया की, इंडिया वाले जहाँ भी जाते हैं ना अपनी छाप छोड़ आते हैं, ऐसे नहीं कोई चुका है। पीछे दिख रहा ऑटो बच्चा, इसको यहाँ पे इंडिया में थ्री व्हीलर बोलते हैं, टेम्पो बोलते हैं, टुक टुक बोलते हैं, मगर यहाँ पे बोलते हैं बजाजी। बजाजी इधर, और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ ना सारी जापान से इंपोर्ट होती हैं, यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। मारुति की गाड़ी कौन सी है भाई साहब, ये तो इंडिया में कब की बात हो रही है, पुराना मॉडल है ना। देखते हैं पहुँचते हैं आगे, कहाँ पहुँचते हैं तो लगता है बेचारे क्यों होते हैं भाई। बात ऐसी है, मैं अभी रोड पे घूम रहा हूँ भाई, मनी भाई मेरे को लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ, अभी देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं। ये मेरे को भी बात बोली कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, बहुत ट्रैवल किया मैंने मेरे से बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ इंडिया भी और इंडिया के अंदर भी। रोस मेरे से ज़्यादा ट्रैवल किया, मगर ये बोल रहे कि आज तक मैंने कभी वीडियो तक नहीं बनाई, फोटो भी नहीं खींची कैसे कैसे बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, बाकी रोड पर चलने के बाद ट्रैफिक तो इंडिया जैसी ही है, कोई इशू नहीं है, मगर जितनी भी गाड़ियाँ है ना सारी जापनीज है, ये बात मेन लगी मेरे को, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी नहीं आती, बनती नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ इंडिया से आती है, कुछ जापान से आती है। जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक व्हीकल में यूज़ होते हैं वो आती है इंडिया से, आईसर की बसें हैं यहाँ पे, टुक टुक है यहाँ पे, मगर जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं पर्सनल व्हीकल के लिए, टैक्सी के लिए, वो आते सारी जापान से, पुराने मॉडल जो वहाँ पे एक्सपायर होते हैं, डंप होने के लिए आती हैं, सीधा इधर दे हो इधर खोपचे में ले लेते हैं, यहाँ पे चलती है, यहाँ पे कोई नहीं पूछता, यहाँ पे $5 में सब कुछ चलता है, $5 दो $10 दो $50 में तो इमिग्रेशन छोड़ देती है यहाँ पे ये सिस्टम है यार भाई के पास ना वीज़ा ना रिटर्न टिकट ना येलो फीवर कार्ड, $50 दे के बाहर सब कुछ चलता है, साइकिल भी चलती है, बाकी गर्मी बढ़िया यार, पता नहीं लोग क्या कहते हैं। और अभी यहाँ पे समर चल रही है, विंटर चल रही है, यहाँ पे ऐसे ही रहता है मौसम। आगे देखते हैं, आगे रोड आएगा, प्लाजा आएगा, वन अंसर एबीसी डेंटल सेंटर, एबीसी डेंटल सेंटर सिस्टम ओके ही है। मर्सिडीज की नकली कॉपियाँ कुछ चाइना से भी आ रखी हैं, अभी देखा मैंने कुछ नकली गाड़ियाँ चाइना की भी है, चाइना पता तो है कॉपी करने में हमेशा तैयार रहता है। भाषा गर्मी बहुत है, ये मेरे पीछे आपको दुकान दिख रही होगी, जैसे अपने इंडिया में होता है ना कचहरी में बैठे थे पेपर स्टाम्प देते हैं वगैरह वगैरह, उस टाइप की दुकान है झोपड़ी में दे रहे हैं। मैंने भाई का बुरा हाल होगा मशीने में, चंड होगी जिंदगी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, वैसे थोड़ी चाय मिली है, यहाँ थोड़ा साथ ले ले, बता रहे हैं यहाँ पे कहीं आसपास समुंदर है, बीच है, जाके देखते हैं। बाकी गर्मी बहुत है यार, इतना बुरा हाल है यहाँ पे, गर्मी वैसे लोग देखते हैं, और वैसे से लोग हैं जैकेट डाल के घूम रहे भाई जैकेट डाल के घूम रहे हैं, और ये भी निकाल दें
बाकी इस ट्रिप में ना एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे आपको कि आप थाईलैंड जाना भूल जाओगे, है क्या नहीं? और ऐसी जगह जाने वाले हैं कि थाईलैंड के मजे भूल जाओगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, थाईलैंड कुछ भी नहीं है उसके आगे। चलो अभी हम जाते हैं आगे, थोड़ा स्टाम वाला एरिया आ गया, लगता है कोई सरकारी चीज़ आने वाली है। दुकान तो बोलते भी आगे थोड़ी बोली पर्चा मोबाइल रिचार्ज। यहाँ पे एयरटेल मनी भी चलती है, ये भी जरूरी है। एयरटेल मनी भी चल रही थी पीछे, देखा कि दुकान पे मनी ट्रांसफ़र कर रहा एयरटेल मनी से। अभी किधर जाना भाई हमें, लेफ्ट के राइट? सीधा जाने को बोल रहा है तो यार, क्या सब बाद में देखते हैं। सीधा किधर जाना? ऐसा सीधा पता नहीं, तो जैसा गूगल बोला करना पड़ता है। ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी लगता है मेरे को तो। ये स्कूल है, ये तो स्कूल में आ गए हम। हाँ ना, सीधा कितनी दूर जाना है? सीधा 100 मीटर वहाँ से लेफ्ट। अच्छा बाहर से, वहाँ वो बाहर निकल जाएंगे, वहाँ से वो गेट है वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यार ये तो स्कूल है, स्कूल में पुताई चल रही है, तंजानिया के स्कूलों में पुताई चल रही है। यहाँ पे नीम का पेड़ भी लगा हुआ है भाई साहब, अफ्रीका में नीम। तंजानिया का झंडा दिख रहा है ना, नेबोया ताइफा, नेबोया ताइफा वो का कुछ शिमोई जाऊ। ये जो देखे ना बाहुबली में जो लास्ट में आता, वो सेना माँ सेना कौन थी, वो बाहुबली की दादी, उसको ललकारता जो यू माइया हुआ वो लेस्ट्रा वो ऐसा बंदा पूरा बगीन है लेस्ट्रा ठीक है ना, वो वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। और जिस टाइप का वो दिख रहा था ना, या जैसी वो लैंग्वेज बोल रहा था, जैसी उसकी शक्ल थी, वैसे ही लोग रहते हैं यहाँ पे लेस्ट्रा। अरे क्या क्या बोल रहा था। हाँ कि हाँ, थोड़ा स्कूल के अंदर ना पेड़ पौधे लगा रखे हैं, थोड़ा टेम्परेचर डाउन है। पानी पीने का है, पिएगा? पानी है अपना, वो चाहिए क्या? नहीं पानी लाइए तो फिर सेव करके रखेंगे ना कि पियेंगे। ये है मसासनी प्राइमरी स्कूल, मैं कह रहा था ना स्कूल का। हाँ तो हम स्कूल में ही गए हैं, ए बी सी डी अलग ही लैंग्वेज है। ये यहाँ की अध्यापिका है, स्कूल में पढ़ा के छुट्टी करके जा रही है। एक बात तो है, जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती और उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता अपने देश में, मतलब जगह जगह हमारे जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे हमें हीन भावना से अपने आप को फील करना पड़ता, छोटा फील करना, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। अभी हम बाहर आए हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे मर्जी जो मर्जी बोल लें, इनको समझ नहीं आएगा। अभी अगर मैं टीचर बोलता तो वो समझ आती टीचर, हमने बोला ये अध्यापिका है पकड़ ले, ठीक है। बाकी गर्मी पड़ती है यहाँ पे, यहाँ वो भी दिखा रहा था कहीं ताज नहीं है। ओके करके गया क्या? मैंने देखा नहीं, चल अरे पीछे बात कर रहा है, रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी तो काट देंगे वीडियो क्लिप यार, और कुछ नहीं काटते हम। मेरे को बोली काट देंगे, क्या काट देंगे, अरे कनेक्शन काट देंगे। चला देखते हैं बाहर जाके क्या पूछता है। भाई साहब 125 सीसी प्लैटिना, आज का पूरा बोर वाला है यहाँ पे। 125 सीसी प्लैटिना 5 गियर वाली सेल्फ 2010 मॉडल, 10 में आई थी अपने वहाँ और 12-13 में बंद हो गई थी उसी टाइम से। ओहो गर्मी
भटकते भटकते यहाँ पे रोड साइड में ना स्ट्रीट फूड भी है अगर किसी को ट्राई करना हो, मगर ज़्यादातर यहाँ पे नॉन वेज ही चल रहा है। अपने जैसे बंदों के लिए कुछ नहीं आया, हम तो जैम ब्रेड खाने वाले बंदे यहाँ यहाँ आगे तो फिर ही चलेगा भाई, यहाँ आगे तो ऐसे करना पड़ेगा। कोक किलो या कोई ड्रिंक किलो क्या भरा ऊपर करके चलो। अब किधर जाने का? लेफ्ट। किसका लेफ्ट? मेरा लेफ्ट, तुम्हारा लेफ्ट। आ गए हैं, देखो कहाँ पहुँचते हैं। अरे गोरे गोरे भी घूम रहे साइकिल पे भाई, गर्मी इतनी है इस भाई के चक्कर में रहेंगे ना तो ऐसे ही होएगा ये भाई साहब बंदा अपने होटल से लेके हॉस्टल से लेके यहाँ तक, जब पहले आए थे तो बस में आए थे और मुझे लेके आए पैदल 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 लेके आए। अभी हम बैठे पेड़ के नीचे नीम की छांव, नीम की छांव में बैठ के आराम से मौसम का आनंद ले रहे हैं, गर्मी का आनंद ले रहे हैं। बीच मतलब एक किलोमीटर सिर्फ है और हवा नहीं चल रही यार, पता नहीं क्या है। मैं बीच समुंदर में तो बहुत बढ़िया हवा चलती है। और उसके पास चले क्या? वो गिली बॉल के पास, गिली बॉल, गिली बॉल, हाँ दूसरी शहर में रहते हैं। हाँ तो चले, देखते हाँ देखते हैं रिश्ते बनाया कि यहाँ कैसे उड़ाएगा, ठीक है नहीं वो चलेंगे घूम के आएंगे, क्या पता हम भी फेमस हो जाए इंडिया में देखा। चलो आगे भेजते हैं आपको, बस स्टॉप आ गया। बस लगभग इंडिया की चल रही है, कोई स्वराज की, कोई आयसर की, टाटा की बसें भी चल रही हैं यहाँ पे। बाकी गाड़ियाँ जो है सारी जापान की हैं, जापान और चाइना। इंडिया के तो टुक टुक कमर्शियल व्हीकल है जो वो इंडिया के हैं। बस आ रही है जी, बस की वेट कर रहे हैं, अफ्रीका की बस देखो कैसी है। पोस्ता बस का सफ़र करना अफ्रीका में, जल्दी हो गया, ठंडे ठंडे धूप में गर्मी में परेशानी इतनी हो रही है। पोस्ता एक के बाद एक पोस्ता, सीधा पोस्ता। मिल जाती तो बढ़िया नहीं था। खूब आ रही है, चल आई आगे चले गया मनी भाई, यहाँ से दो बस चेंज करनी पड़ेगी हमें पोस्ता के लिए, पोस्ता जाना है। बुरा हाल है, बस का सफर भी करना चाहिए। बुरा हाल है कर रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज की समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा, नहीं तो इंग्लिश बहुत कम ही यूज़ करते हैं।
कोई चीज़ कामयाब नहीं है, खाली बड़ा वो कोई कोई गाड़ी जा रही है भाई। बस से उतर गया, यह पोस्ता पोस्ता स्टॉप था कोई, मगर यार देखा जाए यहाँ तो लोकेशन अच्छी है, बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बड़ी हुई है, अफ्रीका में ऐसी मिलती नहीं है। हाँ जी मिल गया, लेफ्ट या राइट? सीधा। सुबह से घूम रहे हैं, अभी तक एक लोकेशन नहीं मिलती। ओ नोमो, ये बिल्डिंग देखो मेरे पिछले का, ओ नोमो, ओ नोमो दार इस्लाम, मतलब कहने का कि दार इस्लाम का जो उधर से चलते हैं जहाँ तो हम सही देखते हैं। हाँ जी भाई भाई किधर जाना है? आगे से राइट, आगे से राइट फिल्म का नाम था ना एक, आगे से लेफ्ट था आगे से राइट था, आगे से राइट जो फिल्म का नाम था वही चल रहा, बस आगे से राइट लेना। चलो मिलते हैं, बाकी जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से ये एरिया ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे फॉरनर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। नाम उसका सिर्फ सेंटर सेंटर है, सेंटर ऑफ सिटी, मगर है नहीं कुछ वहाँ पे, ये इसमें ठीक है पोस्ता में, और कोई ये डरने वाली बात नहीं है अब तक तो, एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो देखते हैं आगे। एग्जिम बैंक डस्ट के ईर के अंदर मिट्टी भर रखी है डस्ट की जगह मिट्टी भर रखी है, कोई जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं, मम्मी भाई होकर परेशान की तबीयत ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों क्या हुआ है इनको, अभी भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं तो ब्रेड खाए थे, चाय भी थी बस, अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया, मगर अभी खाएंगे, भूख बड़ी जोर के लग रही है। अभी चलते हैं और देखते हैं कुछ खाएंगे, पहले एक बस स्टॉप चेंज कर दिया आगे जाके, बस चेंज करेंगे उसके बाद कुछ खाएंगे। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लोग मेरे पास देख रहे हैं, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या किससे बात कर रहा हूँ। देखो बाहर मॉल है, आंटी देख के हंस रही है आंटी आंटी मेरे को देख के बड़ा हंस रही है, आंटी वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, आंटी बड़ा खुश हो रही है मेरे को देख के, पता नहीं क्या बोल रहा है किससे बात कर रहा है। बाकी गांधी मियाँ का जो एरिया है ना, पोस्ता कर गया, पोस्ता के पास तो ऐसे कुछ कर गया, बढ़िया है, मतलब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एरिया भी अच्छा है और मॉल वगैरह है यहाँ पे, पता घूम सकता है। अच्छा देखो बंदा सो गया नहीं, आ गया उसे, चलो कोई देखते हैं नीचे उतर के, मतलब कुछ खाते हैं, उसके बाद एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गया। मनी भैया की हो गया मनी ख़त्म, क्योंकि ने मनी थी नहीं, ने पहले बोला था कि मनी मेरे पे है नहीं, मनी है नहीं इनके पास, इनके पास सिर्फ आशीर्वाद है, आशीर्वाद है देने के लिए, मनी नहीं है। दिक्कत यह है कि आज का दिन का पूरा निचोड़ यह है कि अफ्रीका में, तंजानिया में हम फ्रीली घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लोकल बसों के अंदर भी, प्राइवेट व्हीकल तो यूज़ कर ही सकते हैं और गवर्नमेंट व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी नाम का पता होना चाहिए क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी दूसरी है। कौन सी लैंग्वेज आएंगी? सोहेली, जो इनकी लैंग्वेज है वो सोहेली है, बट मोस्टली इंग्लिश जानते हैं, पता है इनको इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं आराम से। स्कूल भी आ गया अभी ना, हाँ सर, हाँ सर बंदा वीडियो बन गई उसकी तो बस हमारा आज का दिन तो बस, अब जाएंगे रूम पे सोएंगे पढ़ के, भाई साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, खाना खुना खा सेट तो एकदम रास्ते में, ठीक है फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगर कहीं गए शाम को तो शाम को मिलेंगे, नहीं तो कल तो मिलेंगे ही। ओके भाई, ओके भाई, भाई साहब आंखें निकल रही, नींद इतनी चढ़ी पड़ी है।